हाँ यस या सिया पहले बता। पल्लवी बोलेंगी पहले। बेटा विज्ञान धाम में आपको कैसे लगा, क्या क्या देखा आपने? सर पहले तारामंडल देखा, उसके बाद 3D मूवी देखी। 3D मूवी में हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है और फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और इस हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है और डिफॉरेस्टेशन की जगह हमें एफॉरेस्टेशन करना है। अगर बाई चांस हम पेड़ों को काटते भी हैं तो उसकी जगह हमें उससे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब आगे ये बताइए। हाँ सिया। सर हमने हिमालय पर्वत देखा, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि आज से करोड़ों वर्ष पहले भारत का जो उत्तरी भाग था वो हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता था। उसके स्थान पर सर तेती सागर नाम का एक सागर था। सर वो दक्षिण जो सागर था वो दक्षिण और उत्तर में सर दो बड़े भूभाग थे, अंगारा और गोंडवाना। अंगारा उनमें दो नदियाँ बहती थी, नदी अपने साथ मलबा और मिट्टी भागकर लाती थी और समुद्र तल में मिट्टी और मलबा जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष तक सागर में ये मलबा और मिट्टी जमा होता रहा। धीरे धीरे गोंडवाना अंगारा की ओर खिसकने लगा। दोनों के खिंचाव से सागर तल में जमा मलबे में मोड़ पड़ने लगे और उसके स्थान पर एक पर्वत बना, यही हिमालय पर्वत कहलाया। हिमालय पर्वत आज भी पर्वत है। ठीक है ठीक है। और नितिका तुम बताओ, तुम्हें कैसे लगा विज्ञान धाम? हमें बहुत अच्छा लगा विज्ञान धाम। क्या खास दिखा आपको वहाँ जो बिल्कुल अच्छा लगा हुआ आपको? 3D मूवी। और दूसरी निकिता आपको? तारामंडल। विकास आपको क्या ठीक लगा? तारामंडल। थोड़ा जोर से बोलो, तारामंडल। अच्छा तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, अगली बार फिर जाएंगे? यस सर। क्या तैयारी रहेगी आपकी जैसे इस साल थी, या कुछ नई तैयार करके जाओगे? नई तैयारी के साथ जाओगे। ठीक है सिया, और बोल कुछ बोलना है आपको विज्ञान धाम के बारे में? प्रकृति वैली स्कूल में जाके आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। वहाँ क्या देखा आपने नया? सर उस स्कूल की जो टाइमिंग है सर वो बहुत अच्छी लगी। और स्मार्ट क्लास नहीं देखी आपने वहाँ? यस सर। कैसी थी उनकी स्मार्ट क्लास? सर बहुत अच्छी थी। ठीक है चलो, थैंक यू।